जी मैं उन्नाव से आया हूँ, भीम आर्मी जिला से। तो पूरे देश से लोग आए हुए हैं? जी पूरे देश से आए। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय तालकटोरा स्टेडियम में हूं, जहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का की स्थापना के 7 साल पूरे होने पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में युवा जो है यहां रावण को सुनने के लिए आए हैं। और रावण जो है आपको सबको पता है कि वो भीम आर्मी भी चलाते हैं और आजाद समाज पार्टी भी चलाते हैं। आइए तस्वीरें देखिए। प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है, तालकटोरा स्टेडियम में है चंद्रशेखर रावण का और भीड़ बहुत बढ़िया है, पार दिया गया पोस्टर से और खासकर युवाओं की जो है वो भागीदारी है काफ़ी संख्या में। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई मीडिया अखबार नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखाएगा। मेरी लगातार कोशिश होती है कि ऐसे तमाम जो पॉलिटिकल एसर्शन और सोशल एसर्शन है उसको दिखाया जाए। तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आज सुबह 10 बजे से ही अधिवेशन का आयोजन किया गया था भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 7वें स्थापना दिवस पर। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद रावण का वो संगठन है जिससे वो निकले हैं, अब आजाद समाज पार्टी उन्होंने बना ली है, लेकिन भीम आर्मी बहुत फेमस है। और देखिए किस तरह से लोग आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से हैं। तो क्या लग रहा है, रावण को देखने आए हैं? चंद्रशेखर रावण से मिलने आए थे? तो देखिए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं उन्नाव से आया हूँ, भीम आर्मी जिला से। तो पूरे देश से लोग आए हुए हैं? जी पूरे देश से आए। कितनी आबादी है यहाँ अंदर जो आए हैं? अब पूरे देश से कार्यकर्ता आने का मतलब जो है अब लगभग जो है 30 से 40 हजार लोग तो आए ही। 30 से 40 हजार, तो सोचिए एक बड़ा संगठन है भीम आर्मी और युवा लोग उससे जुड़े हुए हैं। 7 साल हो गया है भीम आर्मी को। देखिए तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, नेशनल दस्तक को लोग जानते भी हैं। तो ये देखिए रश देखिए, क्राउड देखिए। भीम आर्मी ने अपनी एक छवि बनाई है और बहुजन समाज के लोग खासकर जो है वो उसको लेकर बहुत सचेत हैं और बहुत समर्थन कर रहे हैं। जहाँ भी जाति के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव होता है, चंद्रशेखर वहाँ पहुँचते हैं। तो भीम आर्मी एक बड़ा संगठन बन गया है। कोई और इस तस्वीरों को नहीं दिखाएगा, मेरी लगातार कोशिश है कि इस तरह की तस्वीरें दिखाएं। जी बोलिए, कहाँ से आए आप लोग? हिमाचल से आए। हिमाचल से आए आप लोग? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, तो वहाँ क्या भीम आर्मी के आप क्या हैं? तो भीम आर्मी क्यों पसंद है आप लोग को? अच्छा, तो ये देखिए तमाम युवा लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, उत्साहित हैं लोग, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। बड़ी बैठक है ये, किसी भी टीवी चैनल अखबार में ये रिपोर्ट नहीं होगी। राजनीतिक तौर से भले अभी चंद्रशेखर आजाद समाज के पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण को लोग वोट ना दें, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बढ़ा है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरह से खाने का इंतजाम किया गया है। तो एक दिन का ये देखिए, एक दिन का ये प्रोग्राम है। अरे भैया काम कर लेना तो ले लेना। तो ये तस्वीर के लोग, जय भीम जय भीम, लोग जानते भी हैं नेशनल दस्तक को, इस वजह से मिलने आते हैं और उत्साहित होते हैं लोग। सोचिए वो तबका जिसके पास कभी टीवी अखबार नहीं था, वो जब उसको अपने लोग दिखते हैं, अपना संगठन दिखता है, तो किस तरह से उत्साहित होते हैं। ये देखिए इस तरह से बैग जो है, जो बाहर से लोग आए हैं, कितना बढ़िया व्यवस्था करवाया है चंद्रशेखर आजाद जी ने। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए तमाम सीनियर लोग भी हैं। और कितने लोग आए हैं आज आपके प्रोग्राम में? स्टेडियम भरा हुआ है। चंद्रशेखर जी का भाषण कब होने वाला है? भाषण हो गया चंद्रशेखर जी का? नहीं, शायद थोड़ी देर बाद, कभी शुरू होगा थोड़ी देर बाद। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पर, और हो सकता है कि आपको इस तरह की तस्वीरें टीवी अखबार में न दिखे। अब मैं आपको स्टेडियम के अंदर ले जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि भीम आर्मी ने, नमस्कार, भीम आर्मी ने अपनी एक अपनी विश्वसनीयता बनाई है अपनी। किधर से रास्ता जाने का? तो मेन इधर से है। तो चलिए, तालकटोरा में यह अधिवेशन है। भीम आर्मी एक संगठन के तौर पे काफ़ी मजबूत हुई है, काफ़ी पॉपुलर हुई है और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ। और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब हम लोग ताल कटोरा स्टेडियम में इंटर कर गए हैं। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए ये विहंगम दृश्य है। पहले रुको ना यार, कौन है यार, कौन है भैया ये? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और देखिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये देखिए विहंगम दृश्य है ये, और पूरा ताल कटोरा भर गया है। तो बिना संसाधन के, बिना पैसा के, उस तरह की जो हुआ है शानदार है ये। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, उनको भी नेतृत्व देना, आगे बढ़ने की आजाद रावण मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। वो हमारा भगवान पंडा जी और भीमा अपनी भीमा अर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शानदार है सब कुछ, जो पिछले कई दिनों से तस्वीरें और अखबार आपको देख रहे हैं, देखिए लोगों से कार्यक्रम आने के लिए गया है, कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए लगातार संपर्क में बने हुए हैं आपको सोशल मीडिया साथियों और काफी में लोग आए हैं आपके बीच में लोग आए हैं, क्योंकि भीड़ तो आप करता है यार भाजी, आज भीमा आर्मी का नाम देश भर से शायद ही कोई ऐसा प्रदेश तो क्या लोग आए जिला होगा जिसमें भीमा आर्मी का नाम ना हो। साथियों जो सबसे ज्यादा जरूरत है संख्या अनुशासन की भागीदारी है, उस अनुशासन के लिए भागीदारी है, तस्वीर संगठन के तौर पे भीमा आर्मी बड़ा संगठन है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा संगठन है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पूरा ताल कटोरा स्टेडियम बैठा है, महिलाएं की संख्या भी ठीक ठाक है, तो भीमा आर्मी ने अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाई है। ये तस्वीरें देखिए आपको, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे चंद्रशेखर यादव राव से, युवाओं की बड़ी भागीदारी है, लोगों से बात भी करूंगा। ये देखिए ये चंद्रशेखर रावण की एक तस्वीर लगाई गई है, इसमें थोड़ा सा साइड होइए, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बना। तो ये चंद्रशेखर रावण का ये तस्वीरें हैं और ये देखिए शानदार तस्वीरें हैं, ध्यान बड़ी तस्वीरें हैं, ये देखिए कहां तक आप तमाम महापुरुषों की तस्वीरें लगी है, फूले परियार अंबेडकर सावित्री बाई ज्योति आप सभी को ये देखिए बीमारी के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सात साल को बढ़े ये देखिए महाराष्ट्र से गुजरात से उत्तराखंड झारखंड जय भीम देश भर से लोग आए हैं। तो एक संगठन के तौर पे भीम आर्मी ने अपनी पहचान स्थापित ही नहीं की है, एक ताकतवर संगठन के तौर पे वो उभरे हैं और भरोसा बड़ा है शेड्यूल कास्ट लोगों का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रभात जी, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, भीड़ सब कुछ बयां कर रही है। एक संगठन के तौर पे बहुत मजबूती से भीड़ आर्मी जो है अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। ये तस्वीरें दिखाई जितनी तस्वीरें देखेंगे मंच पर आए उतना अच्छी है ये तस्वीर, यहाँ मंच पर आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने का काम करें, काफी संख्या में लोग हैं। तो तमाम जो बहुजन आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सब आए हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन नाम है पूरा संगठन का, अभी तक हम लोग भीम आर्मी चल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, तो एक बड़ा संगठन है, हमारे संगठन ताकतवर हुआ है, एक सामाजिक संगठन की जिसकी जरूरत थी बहुजन समाज को, वो संगठन बनता हुआ दिख रहा है और ताकतवर संगठन है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको चंद्रशेखर, तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन के तौर पर अपनी विश्वसनीयता को कायम किया है। दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको, आजाद समाज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में तो सात साल बने हुए हो गए हैं भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आजाद जी दिखा रहा हूँ, उनके सभी स्टेटों के अध्यक्ष, तमाम SC ST OBC के लोगों की भी भागीदारी, जिलों के अध्यक्ष, मिथक है कि ये सिर्फ और इनकी बहुजनों का संगठन है,
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये देखिए महिलाएं भी हैं। कहां से आई हैं आप लोग? हरियाणा से। तो हरियाणा से आई हैं, महिलाओं की भी भागीदारी है, शानदार तस्वीरें हैं। और बाकी आप फैसला कीजिए, बिहार में सबसे मजबूत है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है ताल के टोड़ा से, जहां 7 साल पूरे होने पर एक बड़ी बैठक हुई है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और जिस तरह से युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, ST OBC की भागीदारी से साफ होता है कि सामाजिक संगठन के तौर पर बिहार में स्थापित कर दिया है। आप देखिए क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।